अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं जा रहा हूँ GoPro 11 परचेज़ करने। ओए कुत्ते का बच्चा, चलो। अच्छा जी, तो आज मैं जा रहा हूँ जी GoPro 11 परचेज़ करने निस्बत मार्केट, निस्बत रोड कैमरा मार्केट जो है अपनी CB125F पे मैं जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग बनाते हैं और आपको परचेजिंग दिखाते हैं GoPro 11 की। सो लेट्स गो। सीन ये है कि GoPro 8 ब्लैक था मेरे पास, जिस पे मेरे आज तक की वीडियोस आपने देखी हैं, तो इट वाज नॉट दैट बैड, मतलब ठीक था, अच्छा था, गुजारा हो रहा था। लेकिन उसका जो था नाइट व्यू वो बहुत ही फजूल था, रात के टाइम तो बहुत ही बेकार रिज़ल्ट आता था उसका। तो मैंने सोचा क्यों ना कैमरा अपग्रेड कर लिया जाए, क्योंकि तकरीबन 2 सालों से या 1.5 साल से वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो GoPro 10 की ऑप्शन थी मेरे पास, और उसके अलावा GoPro 11 की ऑप्शन थी, उसके अलावा GoPro Max, पता नहीं क्या क्या। तो जो मुझे चीज़ चाहिए थी, सबसे ज़्यादा जो मुझे रिक्वायरमेंट थी, वो था फील्ड ऑफ व्यू, मतलब कि जो कैमरे का व्यू है वो वाइड हो। तो अभी जो वीडियो बन रही है वो बन रही है सुपर व्यू में। इसके ना बेसिकली 4 होते हैं मॉड्स, एक होता है लीनियर, एक होता है नैरो, एक होता है वाइड, एक होता है सुपर व्यू। तो ये सुपर व्यू है, इसमें जो फील्ड ऑफ व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है, और GoPro 10 में भी यही सारे फीचर्स थे। लेकिन GoPro 11 में उन्होंने एक नया फीचर ऐड किया जिसको कहते हैं हाइपर व्यू, जो कि फील्ड ऑफ व्यू को और ज़्यादा एक्सपेंड कर देगा। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट की है GoPro 11 में, और अभी मैं जा रहा हूँ देखने के कैसा है भाई GoPro 11, क्या रेंज है प्राइस की और किस कंडीशन में है, न्यू है, यूज्ड है, वो मार्केट जाके ही पता लगेगा। तो नियत तो यही है कि भाई लेके ही आना है आज GoPro, हम बाकी देखते हैं डील हो पाती है कि नहीं। और उसके अलावा GoPro 8 का मैं आपको बता रहा था कि रात में रिज़ल्ट बिल्कुल ख़राब है उसका, मतलब कि मेरे लिए, अब मैं क्योंकि थोड़ा सा प्रो लेवल होता जा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कंटेंट जो है ना वो भी थोड़ा बेहतर होता जाए, क्वालिटी जो है अच्छी होती जाए। तो बिगिनर लेवल पर GoPro 8 तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स काफ़ी बढ़ गए हैं, अभी 1000 हो गए हैं तो इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा सा अपग्रेड आना चाहिए, ताकि रात की जो वीडियोस हैं, नाइट राइड्स, उसकी भी आपको, आप लोगों को अच्छा व्यू मिले, और हाइपर व्यू भी मिले आपको, सब बाइक्स नज़र आए, फील्ड ऑफ व्यू सारा नज़र आए आपको, दुनिया में क्या हो रहा है पूरा आपको नज़र आए। तो देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, तो गाइस ये है मेरी CB125F 125F होंडा, चेक करें आप, जो कि YVR का कंपेटिटर है। YVR अगर मैसी है तो ये रोनाल्डो है, ये हिसाब किताब है। तो ये बाइक मेरे डेली यूज़ में होती है, एक होती है मेरे पास सिविक रीबर्थ डेली यूज़ के लिए, एक होती है ये बाइक CB125F, एक है यामाहा R6 आप लोगों के लिए, इस पर मैं वीडियोस बनाता हूँ, और एक है होंडा CD70, वो ऐसी रखी हुई है घर पर। रोज़ों में ना लोगों की जो स्पीड है वो 20 से 30 किलोमीटर पर और जो है वो बढ़ जाती है,
हर बंदा जल्दी में होता है रमज़ान में, और जैसे जैसे इफ्तारी का टाइम करीब आता जाता है ये स्पीड और बढ़ती जाती है, और लोग चलाते भी बड़ी ख़तरनाक हैं क्योंकि अब जल्दी जल्दी पहुंचना होता है, हर एक ने घर में जाके खजूरें खानी होती है, अफ्तारी करनी होती है, तो बस उनको उनका दिल करता है कि बस भगाओ, ये नहीं कि 10-15 मिनट पहले निकल आए ऑफिस से या जहाँ से भी वो आ रहे हैं, नहीं बस सड़क पे निकल गए तो बस भगाओ अंधेरा। तो खासकर जब सहरी का अफ्तारी का टाइम होता है उस टाइम ज़रा ध्यान से चलानी चाहिए गाड़ियाँ बाइक्स वगैरह, जो है वो फास्ट वे होते हैं। मेरी तरह बाकी आपको अपनी इस बाइक का रिव्यू भी देंगे किसी दिन, अगर आप लोग चाहते हैं इस बाइक का रिव्यू किया जाए या कंपैरिजन वीडियो बनाई जाए YBR की और 125F की, यामाहा वर्सेस होंडा की, तो कमेंट्स में बताएं फिर मैं वो वीडियो भी बनाऊंगा। बाकी जो GoPro 11 में और 10 में जो फ़र्क है वो है कलर बिट्स का, जो मेरा नहीं ख्याल इतना मैटर करेगा मेरे लिए, मुझे सिर्फ हाइपर व्यू चाहिए और कुछ नहीं। अल्लाह ना हाँ जी, वो ला रहे हैं इनके पास पड़ा हुआ जी GoPro 11 जीरो मीटर, चेक करते हैं कैसा है कितने का और फिर परचेजिंग करते हैं। ये है जी GoPro 11 जीरो मीटर, आपके भाई ने परचेज कर लिया है, अब इसको अनबॉक्स करते हैं और जल्दी जल्दी अनबॉक्स करते हैं क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो रहा है। ये है जी इसकी सील, बिस्मिल्लाह। अंकल खोल लूँ इसको? हाँ सब खोलो खोलो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये है जी GoPro Hero 11 ब्लैक, अनबॉक्सिंग वीडियो भी आ गई जी हमारी, माशाल्लाह जी। माउंट है, बैटरी है, और अच्छा जी ये है जी GoPro Hero 11 ब्लैक, इसको मैं चेक करता हूँ, थोड़ा सा ऑन करता हूँ, बिस्मिल्लाह तो मैंने पढ़ी नहीं, पढ़ लेते हैं बिस्मिल्लाह। Your camera must be updated before you can use it. कर लेंगे जी अपडेट। ओहो GoPro दुकान बंद हो रही थी, जल्दी जल्दी करना जी, इंग्लिश है, एग्री है जी सब कुछ। टर्न ऑन योर टैग फुटेज, ऑफ नहीं चाहिए, SD कार्ड नहीं है, बाद में डालेंगे, बैटरी चेक ऑफ, इंसर्ट SD कार्ड, अब SD कार्ड इंसर्ट करेंगे तभी चलेगा। चलो अभी बाकी चीज़ें चेक करेंगे बाद में, फिर जाके देखेंगे, देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं घर और फिर जाके चेक करते हैं इसको। अच्छा तो बॉयज GoPro मैंने परचेज़ कर लिया है और अभी मैंने लगाया नहीं है, घर जाके लगाऊंगा, चेक करूंगा, उसकी अलहदा से वीडियो बनाऊंगा कि कैसा व्यू है, और कंपेयर करूंगा 8 से और बाकी मॉडल से। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दें कमेंट्स में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।